BTS News Managing Director Mohammed Taufik. क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु, जुमा मुबारक। शाली बंडे के सदर खाजी, जो हमारे अपने हिसाब से तेलंगाना की अगर खजात अगर बदनाम हो रही है, बदनवानियों में मुलविस हो रही है, तो उसके एक बहुत ही बड़े एक मुहर्रिक में से हैं। और इनकी बदनवानियों को अगर इन्हें अगर गलत साबित करना है ख़ुद को, तो हमारे लगाए गए इल्ज़ाम और जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक औरत है जिसकी शादी हो चुकी है, 3 बच्चों की माँ हैं, और उनका तलाक़ हुए बगैर उनकी जो है ना शादी करा दी गई, जबकि दीन इस्लाम में इस बात की पूरी गुंजाइश मौजूद है कि औरत अगर आदमी के साथ जीना ना चाहे तो वह खुला ले सकती है, और अगर आदमी औरत के साथ ना जीना चाहे तो तलाक ले सकता है। तो वहाँ खुला और तलाक हुए बिना अगर किसी और से शादी करा दी जाए, और उसमें तरफ़ तमाशा ये है कि गैर लोगों को, गैर मर्दों को जो है ना बताया जा रहा है कि झूठे तौर पर कि ये इनके जो है ना भाई हैं, तो इन बातों के जो सवालात का जवाब तो उनको देना चाहिए। तो मैं एक बात की दावत भी देता हूँ उनको कि मैं एक आम इंसान, आम मुसलमान, हैदराबाद का एक शहरी, जहाँ पर हिंदुस्तान के 30 से 40 करोड़ मुसलमानों पर हमारे खजात सिस्टम की गलतियों की वजह से मुसलमानों का नाम बदनाम हो रहा, उस चीज़ को दूर करने के लिए आप और हम आमने सामने बैठे, आइए मीडिया के सामने बैठे, और हमारी बात जो गलत है आप उसे गलत साबित करिए, आपकी बात जो सही है वो आम के सामने रखिए। मिसाल के तौर पर वो जिस मोहतरमा का मैंने रिकॉर्ड बताया, उनकी उम्र 3 बच्चों की माँ है, उनकी शादी होकर 17 साल हो गया, उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, और यह उसमें जो लिखते हैं कि 20 साल है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में कि जो 40 साल की औरत की उम्र 20 साल कर दी जा रही? अगर आपके पास है तो वो भी बताइए। इसके अलावा क्या है, जहाँ पर इन्होंने यानी कि साहिबा हैं, यानी कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो इनके निकाह के बारे में लिखा कि इनका ये निकाह उला है, तो जो बच्चे हैं वो कौन है? औलादुज़िना है। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको कि ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के सामने आएंगे, और इसकी सही पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए। इसकी अगर सही पैमाने होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और मैं चाह रहा हूँ कि हैदराबाद में जहाँ पर 15 खाजियों के अंडर में 1.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर कम से कम 300 खाजी होने चाहिए, जिनके नीचे 5-5 अगर खाजी हो तो 1500 लोगों को रोज़गार भी मिल सकता। और यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि खजात का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वरतिल कुरान तरतीला, जब खजात में जब हम जो है ना कुरानी आयत पढ़ते हैं तो वो खाजी साहब को खुद तलफ़ की अदायगी सही नहीं आती, मखरज नहीं मालूम उनको, तो ऐसे लोग खाली आकर के जो है ना औकात गुजारी में खजात कर ले रहे हैं और करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। अब इनके नाम पे आप कोर्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं? जी हाँ, इंक्वायरी कमीशन में इनके नाम पर कंप्लेंट है, और इन्होंने सफाई में हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये बोला कि हम 2014 में जो है ना जवाब दे चुके, तो 2014 में अगर जवाब दे चुके हैं तो वही जवाब ला के डालें ताकि पता चलेगा। और इनके पास 200 साल का रिकॉर्ड है बोलते हैं। मेरा फिर एक बार ये सवाल है, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में, के चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट में, और आपके किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट में, वाईएस राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट में 6 चीफ मिनिस्टर्स भी इनके पास से रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम रहे, तो मैं कुछ ऐसा समझता हूँ कि इनका इनके यानी कि ताल्लुकात इतने ताकतवर और मजबूत हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इनसे जो है ना रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकती। अच्छी बात आपको ये भी बता दूं कि सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन खजात का रिकॉर्ड का जमा करने का सिस्टम जो है तेलंगाना में है। एक रिकॉर्ड होता है दुल्हन के पास, एक रिकॉर्ड होता है दूल्हे के पास, तीसरा रिकॉर्ड होता है खाजी साहब के पास, चौथा रिकॉर्ड होता है वक्फ बोर्ड में, पाँचवा रिकॉर्ड होता है आर के उसमें। इतना प्यारा सिस्टम है कि कहीं पर भी कोई चीज़ गुम जाए, औरत के पास गुम जाए, आदमी के पास गुम जाए, घर जल जाए, कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड मिल जाता। अगर ये रिकॉर्ड सबमिट नहीं करेंगे, ना दूल्हे को देंगे ना दुल्हन को देंगे, और रिकॉर्ड सबमिट नहीं करेंगे, तो खुदा ना खस्ता का रिकॉर्ड कुछ हो जाए, तो तलाक के बाद कभी ऐसा होता कि शोहर का इंतकाल हो जाता है, तलाक होती तो वो वीरसे में जायदाद मिलती, मुख्तलिफ चीज़ें मिलती, अगर वहाँ बीवी है बल्कि साबित नहीं हुआ तो वो सब चीज़ों से महरूम हो जा सकते। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके जो है ना ये डॉक्यूमेंट नहीं देते थे, लेकिन इस बात का भी जवाब बेहतर यही दे सकते। लेकिन हमारा ये सवाल है कि कई बेवा औरतों का जो पैसा इनके पास रखा हुआ है करोड़ों की में, वो बेवा पर औरतों का जो पैसे का जो है ना अकाउंट कहाँ पर मेंटेन करें, अकाउंट का नंबर कौन सा है, बैंक का नाम क्या है, और कितनों को इन्होंने दे रखा है अभी तक पैसा, और पिछले 25-30 साल से जब से ये है कितने करोड़ रुपया इनके पास वो बेवा औरतों का पैसा बाकी है, याद रखिए, सॉरी तलाकशुदा का याद रखिए। एक तलाकशुदा औरत का जब एक औरत का जब तलाक होता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है, और उसके पास ख़ानदान वालों के ताने, मुख्तलिफ लोगों के तानों के बाद उसके पास अगर कोई चीज़ बची होती है तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो महर और इद्दत और नानो नफ़के के पैसे के शक्ल में रहता है, उससे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत स्टार्टअप ले सकती, वो भी पैसा नहीं मिलेगा तो फिर होते हैं उम्मत की माएँ, बहनें, बेटियाँ गलत उठाने पर मजबूर हो सकती। देखिए, मैं एक हैदराबाद की आवाम की जानिब से भी इनसे मुतालबा करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप जैसे लोगों की अगर मामलेदारी सही है तो आप अपनी मामलेदारी सही है बल्कि आवाम के सामने ला के साबित करिए।
और आप इससे पहले भी इन्हों क्या करें इंक्वायरी कमीशन में मीडिया वाले आए हुए हैं, तो इन्होंने बोला भाई इंक्वायरी कमीशन और हम बात कर लेते हैं, काम कर रहे हैं आप आवाम का, आवाम के काम में हम बोल रहे हैं धंधेबाजी करें जालसाजियाँ करें बोल के बोल रहे हैं। मीडिया जो है आवाम और जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज के दरमियान एक लिंक होती है, आप मीडिया को बाहर चले जा बोल रहे हैं, जो भी हमारे दरमियान बात हुई हम ला कर लेते बात, खुलिया में गुड़ फोड़ दे। यह चीज़ आगे भी मैं इस बात की अपील करूंगा इंक्वायरी कमीशन से और माइनॉरिटी कमीशन से, वक्फ बोर्ड से और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि आगे की भी इनकी जो इंक्वायरी कमीशन की जो पेशी होगी उसमें भी मीडिया को इन्वॉल्व होने की पूरी पूरी इजाज़त दे, ताकि आवाम को हकायक जानने में मदद मिले। एक दो तीन